दोस्तों पाक फिजाइया JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों में नई जनरेशन के मिसाइल इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तान फिजाइया में बहुत जल्द JF-17 थंडर ब्लॉक 3 शामिल होने जा रहा है। ये तैयारा अब तक का सबसे जदीद तरीन 4.5 जनरेशन का पाकिस्तानी लड़ाका तैयारा होगा। इस तैयारे को जदीद एयर फ्रेम के अलावा जदीद हिफाजती निजाम और नए जनरेशन के जदीद मिसाइलों से भी लैस किया जाएगा। चीन लड़ाका तैयारों से फायर किए जाने वाले नए और ज्यादा फासले पर मार करने वाले मिसाइल बना रहा है। ये मिसाइल अमरीकी साख्ता जदीद लड़ाका तैयारों के हिफाजती निजामों को देखते हुए बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ये मिसाइल अपने आने वाले नए लड़ाका तैयारों में नस्ब करना चाहता है ताकि पाक फिजाइया को जदीद हथियारों से लैस किया जा सके और मुस्तकबिल की जंगी हिकमत अमली बनाई जा सके। यूं तो पाकिस्तान नई जनरेशन के बहुत से मिसाइल खरीदेगा, मगर एक खास मिसाइल बहुत ही अहमियत का हामिल है जो कि फिजा से फिजा में मार करने की सलाहियत रखता है। ये मिसाइल चीनी साख्ता है। ये मिसाइल PL-12 के बाद आने वाला PL-15 मिसाइल है और इस मिसाइल को चीन ने अपने जदीद तैयारों के लिए बनाया है। कुछ अरसा पहले इस मिसाइल को चीन के J-16 लड़ाका तैयारों से फायर करके इसका कामयाब तजर्बा किया गया था, जिसके बाद इंटरनेशनल मीडिया ने अमरीकी तैयारों के लिए इस मिसाइल को खतरे की घंटी करार दिया था। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। चीन के बनाए हुए PL-15 मिसाइल को बेहतरीन रिडार सीकर और डुअल पल्स रॉकेट मोटर हर तरह के फिजाई टारगेट्स के लिए संगीन खतरा बनाते हैं। ये मिसाइल अपनी ताकतवर रॉकेट मोटर की वजह से लंबे फासले तक Mach 4 की रफ्तार से परवाज कर सकता है। इस मिसाइल का गाइडनेस सिस्टम दो तरह के डेटा लिंक पर मुश्तमिल होने के साथ साथ सीकर एक्टिव पैसिव डुअल मोड HESA और जाम होने से बचने का निजाम भी मौजूद है। इसके अलावा ये मिसाइल लॉन्च होने से पहले हदफ की मालूमात अवाक्स तैयारों के अलावा जमीन पर मौजूद रेडारों और सैटेलाइट से भी ले सकता है। दोस्तों PL-15 मिसाइल में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर यानी IIR की सहूलत इसके हदफ की यकीनी निशाने की जमानत है। इस मिसाइल को हदफ तक पहुंचने से दुश्मन का कोई भी हिफाजती निजाम नहीं रोक सकता। पाक फिजाइये के आला ओहदेदार इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के लिए पहले से ज्यादा जदीद मिसाइल खरीदे जाएंगे, जिनमें कम फासले से लेकर लंबे फासले तक मार करने वाले मिसाइल शामिल होंगे। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगेबान।